अक्सर मीडिया डिबेट में एंकर का झुकाव सरकार की तरफ होने की वजह से विपक्ष के नेता एंकर को खरे खरे सुना देते हैं। आज के वीडियो में बात कुछ ऐसे ही डिबेट्स की करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में AIMIM नेता जवाब दे रहे थे तो अमीश देवकर ने टोककर सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिस पर नेता ने अमीश को सुना दिया। देश के अंदर आला से आला से इस देश में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन मुसलमान रहा। एक सेकंड रुकिए, इस टीम में इस देश में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन मुसलमान रहा। एक सेकंड रुकिए, एक बार नहीं कई बार ही रहा। दूसरा पॉइंट वारिस भाई नहीं सुनना पड़ेगा आपको। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस देश के अंदर मुसलमान रहा। बोलिए वारिस पठान जी, आपको सबको फ्रेम से हटा के आप अकेले आके फ्रेम में रहोगे और चिल्लाओगे, अपना भाषण दोगे और ट्विटर पे डालोगे तो नहीं चलेगा। हमारे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बोलिए अपनी बात। वैसे मुझे भी तो यही तो बात है आपकी, जब संविधान ने हमको इक्वलिटी दिया तो आप कौन होते मुझे एक मिनट देने का और उसको 7 मिनट देने वाले। चलिए बताइए, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आप याकूब मेमन अतीक अहमद इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को हराना आओ हमारे साथ। देखिए वो जिसको हार रहा है, जिसको जीतना है, वो देश की, वो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। अमित देवगन आरएसएस के संविधान को अगर फॉलो कर रहा है तो अमित देवगन का लुकआउट है। एक सेकंड पठान, ये अतीक अहमद कौन से संविधान के दायरे में काम कर। इंडिया टीवी पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने तालिबान को लेकर सवाल शोएब जमाई से किया, जिस पर शोएब जमाई कुछ सवाल उठाते दिखाई दिए। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रोजाना तालिबान ये अफगानिस्तान के महिलाओं के ऊपर चर्चा करके इंडिया के अल्पसंख्यकों से इक्विवेलेंस ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे कि ये सब तो तालिबानी समर्थक है, तो सवाल पूछा जाएगा लाजमी कि भारत में हो रहे यहाँ से यहाँ महिलाओं के उत्पीड़न पर मीडिया का क्या स्टैंड है या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। ये तो सवाल लाजमी है ना, जब आप मुझे तालिबानी समर्थक घोषित करने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव में तालिबान को लेकर के आएंगे और ये पहनाएंगे कि हाँ ये तो मॉब लिंचिंग। भारत सरकार ने साफ कहा है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत सरकार सिचुएशन को असेस कर रही है और इसे एक अरे सुनिए तो सही साहब, अगर आप ही सब कुछ बोल देंगे तो एक काम कीजिए, मैं अपने मुंह पे टेप लगा लेता हूं और आप बोलते रहिए। सबने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एक सेकंड सुनिए ना, किसी ने नहीं किया है। अरे भाई शोएब जमाई अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। शोएब जमाई साहब, या तो मैं आपकी आवाज बंद कर दूं या आपसे बात करना बंद कर दूं, ये कोई तरीका नहीं है बहस करने का। आप एंकर को ही नहीं बोलने देंगे क्या। जी न्यूज पर उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने ओवैसी पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कांग्रेस के नेता से सवाल किया, लेकिन अपने जवाब से नेता ने एंकर को चुप करवा दिया। गजेंद्र सिंह साखला जी, अदिति जी, ये किसको नुकसान हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री से किसको नुकसान हो रहा है? किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो गलत है। तो फिर किसकी सियासत चमकने वाली है? सियासत चमकेगी जिसको उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी उसको चमकेगी। 5 साल तक लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक अभी सरकार चल रही है योगी जी की वहां पर, और योगी जी ने जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं, कोविड काल के अंदर क्या स्थितियां रही है और बेरोजगारों के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है, इन सब बातों को लेकर के किसानों पर इनकी क्या राय है। आज ही राजस्थान के अंदर चुनाव के पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का यहाँ से। तो कहने का अर्थ ये लोकतंत्र है, ये कोई भाषण दे करके एक जना आकर के भाषण दे गया और उससे कोई जनता कोई बेड़े थोड़ी है कि उसके पीछे चरने को चली जाएगी। आज तक पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते खतरे को लेकर एक गेस्ट से सवाल किया। अपने जवाब में गेस्ट ने एंकर की क्लास लगा दी। असुरक्षित क्या तब महसूस नहीं हुआ जब यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जब रुबेल सईद का अपहरण हो गया था उस दौरान क्या आपको ये असुरक्षा महसूस नहीं हुई? कश्मीरी पंडितों को जब घाटी से भगा दिया गया तभी असुरक्षा महसूस नहीं हुई? उसके बाद आशा की एक नई किरण 5 अगस्त 2019 को आई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद पूरे देश भर में आतंक नहीं होगा, खुशहाली होगी, अमन होगा, शांति होगी। तुलनात्मक रूप से अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें 2019 2020 और 2021 में आतंकी घटनाएं पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। आई एम श्योर कि आपने ये आंकड़े देखे होंगे। मैडम अगर आप ड्रोन अटैक जो मेरे एयरपोर्ट पर होता है, मेरी धरती पर होता है, अगर आप उसे कहते हैं कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, तो मैं शर्म से अपने आप को चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक समझता हूँ। पिछले 4 दिनों से हर रोज एक दिन पुलिस वाला मारा जाता है हमारा भाई, एक दिन दुकानदार मारा जाता है, किस दिन कोई मारा जाता है। मौत का नंगा ना जम्मू कश्मीर में बंद नहीं हो रहा। तरक्की अगर है, विकास अगर है, तो सिर्फ शमशान घाटों का कोरोना में हुआ है। यहाँ विकास है कहाँ देश में, सुरक्षा है कहाँ देश में, पहले थी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं थे इस सरकार में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.